अरे कितने अफसर इन्होंने फुल फ्लेज बना दिए, हमारा तो नाम का सिर्फ मोहरा लिया जाता है, सिर्फ दलित को सिर्फ चुनावी हिंदू है, इन्होंने सिर्फ फोर्थ क्लास का हिंदू समझा हुआ, ऐसे चुनाव में यूज होता है, आप हिंदू हो। मैं भी शामिल था, FIR करनी है तो हम पे करो ना। मंत्री माननीय मंत्री जी ने शपथ ली थी ना, उन्होंने दिलवाई तो नहीं, शपथ हमने भी ली थी, वो तो वहाँ हमारे ऊपर दर्ज कराओ FIR। तो जी दलितों तो होना पाप है इनकी नजरों में, इनको तो बस नहीं चलता, अगर हमारे को इतना बड़ा हिंदू का अधिकार देते तो हमारे को रिजर्व सीट पर चुनाव लड़वाइए ना, आज पॉपुलेशन करवा लीजिए। बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी दोनों एक ही तो हैं, दोनों एक ही हैं, ये RSS के हैं, केजरीवाल जी भी तो RSS के ही हैं, वो कहते हैं कि मैं इनका वध करने के लिए आया हूँ, असुरों का वध करने के लिए आया हूँ, मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है और मैं इन असुरों का, ये असुर हैं कौन, ये किन किन का वध करने के लिए आए हैं, मैं यही तो, मैं तो केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि असुर हैं कौन, ये किस असुर कह रहे हैं, ये किसका नाश करने के लिए आए हैं, कह रहे हैं अपमान करने का, दलितों को हिंदू इन्होंने समझा ही कभी, बराबर दिए जाते हमारे, कितने अफसर इन्होंने फुल फ्लेज बना दिए, हमारा तो नाम का सिर्फ मोहरा लिया जाता है, सिर्फ दलित को सिर्फ चुनावी हिंदू है, इन्होंने सिर्फ फोर्थ क्लास का हिंदू समझा हुआ, ऐसे चुनाव में यूज होता है, आप हिंदू हो, हमारे जब बहन आप किसी अखबार में किसी न्यूज पेपर में बता दो जहाँ पे अगर हमारे को हिंदू बोला जाता हो, सिर्फ दलित ही बोला जाता है, हम सिर्फ चुनावी दलित मंत्री, दलित सांसद, दलित राष्ट्रपति, सिर्फ हम चुनावी हिंदू हो, हम और कुछ नहीं है, और हमारे सबसे बड़ी बात उनको शर्म आनी चाहिए जो रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ना जानते हैं और रिजर्व सीट का फायदा लेना जानते हैं, वो आज घर में बैठे हुए उनमें से कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा, 11 उनको तो चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, उनके लड़ाई तो हमारे अधिकार की है बाबा साहब, ये हमारा टाइम है बोलने का मौका है, आज हम बीजेपी और केजरीवाल RSS की विचारधारा रखते हैं दोनों RSS, ये केजरीवाल भी पुराना संघी है, ये सब विचारधारा ये हमारे से चिढ़ते हैं दलितों से, एक्चुअली बाबा साहब ने हमारे को इतना कुछ दिया, हमारे को पढ़ने का अधिकार दिया, इनको ही सोचते हैं ये पहले वाली इसी चीज बजाय, टीवी अखबार वाला काहे पीछे पड़ा हुआ है, टीवी ये सब मोहरे है जी, जो ये सारे बिके हुए कोई नहीं बोलता, ये पता नहीं मोदी मीडिया, ये मोदी जो बोलते हैं वो बोलते हैं, सोशल मीडिया ना होता तो ये हमारी बात जनता तक पहुंचती नहीं, ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद करते हैं हम, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं दलितों को, कुछ नहीं है, आप एक बात बताइए पंजाब में जीता है ये, हमारे कितने इन्होंने दलित बना दिए वो राज्यसभा से सांसद, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आती, हमें तो समझ में आती है, एक्चुअली हमारा समाज सीधा साधा है, उन्हें इन्हें ये हाईजैक कर लेते हैं अपने दिमाग से, इन्हें समझ बेचारे ये सीधे ये बातों में आ जाते हैं, लेकिन वो तो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं पंजाब में, मगर सांसद सिर्फ वोट लेना जानते हैं बाबा साहब की फोटो लेके, वो केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो जाते हैं, सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम नहीं, वो नहीं खड़े हो गए क्योंकि दलित चेहरा है, वो दलित चेहरा, और सबसे बड़ी बात हमारे दलित विधायक दलित काउंसिलरों को चाहे वो किसी भी, समझ में आ रही है किनको, नेताजी को बात में, नेताजी को कोई नेताजी लड़ रहे हैं, आगे लड़ाई है, हम उनके साथ है, हाँ। और मैं कोई पार्टी से नहीं, उनके इस्तीफे में बोला है कि मैं अभी भी अपनी पार्टी के समर्थन में हूँ, मेरे नेता केजरीवाल है, ये हमारे उनको समझना चाहिए, वो एक्चुअली पार्टी से इसलिए नहीं बोल रहे, कुछ ना कुछ बोला होगा उनको, क्योंकि देखो अभी ये डर है कि जेल भेज सकते हैं, पावर इनके हाथ में है, सत्ता में बैठे ये, केजरीवाल ये देखो जी दलित तो होना पाप है इनकी नजरों में, इनको तो बस नहीं चलता, अगर हमारे को इतना बड़ा हिंदू का अधिकार देते तो हमारे को रिजर्व सीट पर चुनाव लड़वाइए ना, आज पॉपुलेशन करवा लीजिए, पाप गुजरात से एक दलित को बुला रहे हैं, केजरीवाल अपने घर पे खाना खिलवा रहे हैं, गुजरात से बुला रहे, सिर्फ दिखावा है, अगर चुनाव आप खाना मत खिलाओ, आप जनरल सीट से, आप जनरल सीट से दलित को चुनाव लड़वाओ, मैं तब मानूंगा आप दलित की फेवर में हो, हमारे इन्होंने मेरिट खत्म करी, हमारा कोई बोलने को तैयार नहीं, गुजरात के दलित को आप दिल्ली बुला रहे हो, दिल्ली में दलितों की कमी है क्या, दिल्ली में 10,000 लोग शपथ ले सकते हैं, और एक बात बताता हूँ 10,000 लोगों में मैं भी शामिल था, FIR करनी है तो हम पे करो ना, मंत्री माननीय मंत्री जी ने शपथ ली थी ना, उन्होंने दिलवाई तो नहीं, शपथ हमने भी ली थी, वो तो वहाँ हमारे ऊपर दर्ज कराओ FIR, लगता है केजरीवाल के दबाव में इस्तीफा दिया ना, हमसे सब बिल्कुल, ये मनुवादी सरकार ये भी बन गई है, हमें हाँ हमें लगता था बीजेपी के ये है पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी में SC ST वेलफेयर बोर्ड में मेंबर था, पार्टी के लिए काम किया, कई पदों पर रहा, आज भी टिकट का दावेदार था, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं है,
मुझे सिर्फ समाज की लड़ाई लड़नी थी मंत्री जी के साथ। आपने पद छोड़ दिया? पद छोड़ दिया, मंत्री जी ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। आप दिल्ली के दलित केजरीवाल के साथ नहीं है या देश के दलित? देखो दिल्ली में दलित तो ऐसे दोगले हैं कि दलित विधायक भी है और पार्षद भी है। एक खड़ा हो तो एक दलित विधायक और पार्षद, वो सोच रहे अभी मंत्री पद कैसे मिलेगा हमें। लेकिन लोग कह रहे हैं नंबर सबका लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए। आज अगर सुनो, ये भेड़ों को धीरे धीरे काटा जाएगा, जो शेर होगा वही जिएगा, बाकी कोई नहीं जिएगा। अरे फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, हमारे को रोजगार चाहिए, हमारे को रोजगार चाहिए, सक्षम चाहिए। अरे रोजगार बिजली पानी का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। फ्री बिजली पानी कोई अपने घर से नहीं दे रहा, टैक्स दे दे, ये अच्छा है कि सरकार ने चलो हम लोगों को सुविधा दी, लेकिन हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। केजरीवाल का चेहरा सामने आ गया, वो चेहरा सामने आ गया। आज मंत्री सुनो, अगर एक मिनट सत्येंद्र जैन जी जेल गए, कितने उनके खिलाफ आरोप लगे, उनका पद क्यों नहीं लिया आपने, उनको क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया? मैं वही कह रहा हूँ, उनके इस्तीफा दिलवाओ ना, इन्होंने तो समाज के लिए किया, इनका इस्तीफा किस लिए ले लिया? कुछ गलत तो किया इन्होंने, 22 मिनट किया तो ली। अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने लिया, हमने एक मुसलमान आदमी को हिंदू धर्म अपनवाया, एक मिनट, मुसलमान व्यक्ति को हम अपने धर्म में लाए, हमने कहा आप हिंदू धर्म में आओगे तो आपको मस्जिद जाना छोड़ना पड़ेगा, नमाज छोड़नी पड़ेगी। अगर वो कहेगा नहीं जी मैं नमाज पढ़ूंगा और मस्जिद जाऊंगा तो फिर वो मुसलमान ही है। जो भी धर्म परिवर्तन करेगा, आपकी इच्छा हो करो, किसी के घर जाके नहीं बोला। एक प्रतिज्ञा दिलाई गई, मैं वहाँ था, मेरे को नहीं समझ आता, मैं अपने घर आया था, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं बोला। तो ये जो दिलाई गई सप्ते, मेरा मन करता है मैं भगवान में विश्वास रखूँ ना रखूँ, रखूँगा तो मुझे अपने घर आना चाहिए, नहीं रखूँगा तो मैं समाज के साथ हूँ। जैसे हजारों लोग वहाँ प्रतिज्ञा ले रहे हो, वैसे मंत्री साहब प्रतिज्ञा ले रहे हो। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मंत्री जी ने प्रतिज्ञा ही तो लिया, मंत्री जी ने थोड़ी दिलवाई, हमने भी लिया, हमारे को लो ना अंदर। उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका सत्ता से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है, घेरा जा रहा है, ये सब घेरा जा रहा है। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का मंत्री जी जिन्होंने अपना जीवन मंत्री जी ने जो पद छोड़ा है ना, वो मंत्री जी ने हम लोगों को जब जोड़ा था, उस दिन मंत्री जी ने कहा था जिस दिन मुझे समाज के लिए सत्ता छोड़नी पड़ी उस दिन सत्ता छोड़ दूंगा। आज मंत्री जी ने करके हमारे दिल को जीत लिया, हम सैल्यूट करते हैं मंत्री जी को। आपको नहीं लगता पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए? पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ मंत्री जी को छोड़ सकते हैं, विचारधारा नहीं बदल सकते। मंत्री जी पार्टी पहले ही छोड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा आप सत्ता में रहेंगे तो समाज का भला कर पाएंगे। लेकिन दलित फिर वोट करेगा हमारी, दलित तो अब हमारे सीधा साधा समाज है, उनको गुमराह किया जाता है बिजली पानी। आज मैं केजरीवाल को कहता हूँ सर्वे करा लो कि तुम्हारी, तुम जनरल सीट से कितने चुनाव लीडर जीत रहे हो, फिर तुम एक जो एक जहाँ दलित समाज का रहता है वो तुम्हें वोट पड़ता है। आप राजेंद्र नगर चली जाओ, पटेल नगर चली जाओ, वहाँ से कितना वोट पड़ता है आपको। आप किसी भी जनरल बेल्ट पे जाओ, अगर वोट पड़ता तो सिर्फ आपको झुग्गी झोपड़ी से वोट पड़ता है, जहाँ हमारे दलित समाज के लोग रहा करते हैं। जिस दिन दलित समाज की ताकत जाग गई तो केजरीवाल सड़कों पे आके घूमेगा। तो अभी जागे नहीं है, जाग रही है अब धीरे धीरे, हम भी निकल कर आए हैं तो मेरे जैसे चार हो रहा है, चार को देख के आठ हो रहा है। किस तरफ बीजेपी को तो हम दे रही है, हमारे जो हक की बात करेगा, हमारे विचारधारा की बात करेगा, हम उसको देंगे। हमारा आज बताओ, मैं आज इन्होंने हमारा मेरिट खत्म कर दिया, दलित वोट देंगे केजरीवाल को, हम नहीं देंगे। ऐसा लगता है आपको दे देंगे, जैसे इन्होंने कैसे करके गुमराह इन्होंने मारा, इन्होंने हैं इनको गुमराह किया गया है ना, सत्येंद्र जैन ने करा उसको मंत्री पद का सत्यानाश किया जाएगा। इनके बस की नहीं है, कहना जानते हैं, अभी दलित समाज सड़कों पर उतर गया तो शायद इन ये भूल जाएंगे दलित समाज की ताकत क्या है। 2 अप्रैल की ताकत याद हो गई आपको जब सड़कों पर निकले थे, आप मूंड बिल्कुल बैठे तैयार। मैं यहाँ कोई पैसे दे के किसी का लेके नहीं आया, राजेंद्र पाल गौतम मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी से हूँ। मैं एक दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, मैं उसके लिए बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। अच्छा ये सिर्फ दिखावटी राजनीति है, मैं आपको कितनी बार कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना उन्हें हमारे लोगों के कितने को मंत्री बना रखा है, एससी कितने एससी मंत्री बना रहे हैं, फिर मोरा। आज हमारे लोग वो डर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे हमें भी मंत्री पद चाहिए। अरे ये कुर्सी छोड़ो, सड़कों पे निकलो, अगर तुम आज बोले तो तुम्हारे चार मंत्री हो गए, इनको बोलना चाहिए। जितनी बड़ी संख्या है आप लोगों के, एक बात आप सर्वे करा लो, दिल्ली में कितने पॉपुलेशन है हमारे एससीओ की, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। चलिए अंकल जी।